નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં આજે આપણે ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પાઠ નંબર બેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડિયોમાં જોઈશું આપણે આ ચેનલમાં ધોરણ આઠના સ્વાધ્યાયના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયના તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જોઈએ આપણે સૌ પ્રથમ તેની અંદર અભ્યાસ પ્રશ્ન નંબર એક નિમ્નલિખિત મુદ્દો કે સંદર્ભ અમે ચાર પાંચ વાક્ય બોલીએ નંબર એક મરૂભૂમિ રેગિસ્તાન तो जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है ऐसे स्थानों को मरु मरु उद्यान कहते हैं मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं इसीलिए ऊट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है नंबर बी कच्छ के तीन बड़े शहर मांडवी भूज और मुद्रा ये कच्छ के तीन बड़े शहर है मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है यह बड़ा प्राचीन नगर है यहाँ राजमहल पवन चक्या तथा समुद्र तट दर्शनीय है भूज वैभवशाली नगर है यहाँ आईना महल प्राग महल हिल गार्डन स्वामीारायण मंदिर हमीसर भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है मुद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं नंबर त्रन कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल तो भद्रेश्वर नारायण सरोवर लखपत तथा हजापीर एक कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है यहाँ सग मरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जीनालय भूकंप से खंडित हो गया था अब आधुनिक ढंग से उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है यह रामायण काल का माना जाता है लखपत में सिखों का गुरुद्वार है हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है नंबर चार कच्छ के ऐतिहासिक स्थल तो सामख्याली के उत्तर में धोलावीरा और एक ऐतिहासिक स्थान है यहां भारत की अति प्राचीन मोहनजो दड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है किसी समय यह एक समृद्ध नगर था यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए नंबर एक आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए तो अं तमने जवाब आपेलो है जे जो जे, ते नीचे जु सको ત્યાર પછી નંબર બે છે આપને કી હુ કિસી યાત્રા કા વર્ણન કરતે હોય આપને મિત્રકો પર પત્ર લીખીએ જે તમને અહીં પત્ર પણ લખીને દર્શાવેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો प्रश्न नंबर त्रन दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए नंबर एक सितारा आकाश में रहता हूँ रात भर चमकता हूँ दिन में छिप जाता हूँ फिर निकल आता हूँ चमचम चमकता हूँ रहता हूँ मौन प्यारे बच्चों बताओ मैं हूँ कौन सितारा नंबर बे हाथी गणपति जैसा मुंह है मेरा काया खूब विशाल सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं मस्त है मेरी चाल हाथी नंबर त्रन चिराग मरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती मेरे दो साथी है तेल और बाती चिराग त्यार नंबर चार पाठशाला ज्ञान का मंदिर हो सरस्वती का घर हो आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश पाठशाला त્યાર પછી આપણે જોઈએ તેમાં અભ્યાસ પ્રશ્ન નંબર 1 دیے گئے શબ્દકોશ શબ્દકોશ કે ક્રમમે લખીએ જોઈએ અહીં શબ્દો આપેલા છે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખીએ તો અભિવાદન અભ્યાસ ચિરાગ પ્રગતિ મહકના વિનય શાયર સંગ્રામ સંધ્યા ઓર હમ દર્દ ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 ਇਸ પાઠ મે આયે પ્રશંસકિય શબ્દો કી સૂચી બનાકર ઉનકા વાક્ય મે પ્રયોગ કીજીએ જોઈએ અધિક ક્ષણ में थाने में जाकर अधीक्षक से मिला नंबर प्रभाग प्रभाग फिल्म प्रभाग आज बंद था। नंबर वरिष्ठ वे वरिष्ठ अभियंता है नंबर चार कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है नंबर पांच सचिव मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया प्रश्न नंबर त्रन नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक दयावान राजा बहुत दयावान था नंबर बे मूल्यवान समय सबसे मूल्यवान वस्तु है नंबर तीन कृपालु सत्य कृपालु होते हैं नंबर चार थोड़ा सा दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है नंबर पाँच अच्छा मोहन एक अच्छा लड़का है नंबर छ सुंदर उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं नंबर सात प्रिय गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है प्रश्न नंबर चार दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए गुजराती में जो परिच्छेद हिंदी में वर्णन करिए हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं संध्या के समय पक्षियों को टोलियां अपने घोंसले की ओर उड़ रही है भेसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है उस समय रिम झिम रिम झिम वर्षा शुरू हुई लोग असहय गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे केवल मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे प्रश्न नंबर पांच अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए अही जो कहानी आपने तुम्हारे पूर्ण करने तुम अही जो सको તો ફરી મળીશું આપણે ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયના સ્વાધ્યાયના પાઠ નંબર ત્રણના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આપણે આ ચેનલને લાઇક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં આ સ્વાધ્યાયના બધા જ પાઠના વિડીયો વોટ્સએપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાઈ જજો જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે